गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये जो एक नई सीरीज रहेगी मैं एक्सप्लेन करूंगा और इस सीरीज को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, जो कोई बताने वाला है, कमेंट करने वाला है कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो सुनो, मराओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से देखो या नहीं देखो। जितने भी लोग और हैं वो तो देखेंगे, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है। आराम से बता रहा होता है कि मैं जो हूँ मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो एक सिंगल हूँ। हमारा मेन करेक्टर का नाम जो है वो है फैन शेन, जो कि एक पता नहीं कौन सी बीमारी है ये उसे होती है, और ये काफी अच्छा बंदा था अपनी लाइफ के अंदर। आराम से फिर बता रहा होता है कि यहाँ तक कि कोई यहाँ पर क्यूट लड़की या मतलब फॉर एग्जाम्पल नर्स नहीं है जिन्हें मैं देख सकूं, और मेरी ये लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा जो है लोनली है, एक हेल की तरह। डायरेक्ट एमसी जैसी आंखें बंद कर देता है और अचानक से कुछ होता है और ये आंखें खोल देता है, और फिर बता रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और फाइटिंग चल रही होती है, जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। और फिर बता रहा होता है कि रुको जरा, यहाँ पर हो क्या रहा है, और काफी असासन इसके पीछे लगे होते हैं और ये यहाँ से भाग रहे होते हैं। असल ये एमसी को ऊपर ही फेंक देता है हवा के अंदर, और जितने भी लोग हैं उनको ये मार देता है। इसका नाम वूनिक है, और ये जो सर्वेंट होता है फैन मतलब एमसी के मदर का, समझा करो। यहाँ पर एमसी भी बहुत ज्यादा शौक होते है कि भाई चल क्या रहा है। एमसी पर बता रहा होता कि जैसे ही मैं उठा मुझे पता चला कि मैं बच्चा बन चुका हूँ और इस बेम्बू के बास्केट के अंदर हूँ। एमसी बताता कि मुझे सब कुछ पता है मतलब मॉडर्न टाइम के अंदर, लेकिन अभी मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि कुछ लोग जो है ब्लैक कपड़ों में हमारे पीछे आ रहे हैं मारने के लिए, और ये बंदा जो है मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें टाइम स्किप दिखाया जाता है एक जगह पे, और यहाँ पर एमसी लगा होता है बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है, और एमसी इन्हें जो है मिस्ट्री जर्नी ऑफ द वेस्ट की स्टोरी सुना रहा होता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये जो है वो वुकोंग वाले जो स्टोरी है उसकी तरह है। मे भी कुछ लोग फ्री फायर खेलते होंगे उनको भी पता होगा, या फिर चाइनीज सीरीज देखते होंगे तो जो बंदर होता है ना मंकी किंग उसके बारे में बोल रहा है। और दूसरी छोटी लड़की फिर बता रही होती है कि नहीं मुझे जो है दूसरी स्टोरी पसंद है वो चार्म वाली। एमसी इन्हें बता रहा होता है कि तुम बच्चे जो हो एक अच्छी सी स्टोरी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, वैसे एमसी बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पर कोई लड़का आ जाता है, फिर एमसी को बता रहा होता है कि जल्दी करो तुम वापस घर पे आ जाओ, देखो तुम्हारा बटलर जो कुछ लोगों को मार रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि ये इसकी धुलाई कर रहा होता है, और ये फिर बताता है कि यंग मास्टर जो है यंग लेडी को कहाँ पर लेकर गया है, और ये फिर लड़की बताती है कि बटलर प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तब भी इन्हें मार रहा होता है। और ये लड़की डायरेक्ट बताती है पास वाली लड़की के बारे में कि इसे पता होगा क्योंकि ये जो सर्व करती है यंग मास्टर को, और ये इसे देखता है। और ये फिर बताती है कि यंग मास्टर ने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं जो किसी को नहीं बताऊंगी, और ये जो है ल्यू सिसी है, ऐसी नाम है भाई अजीब सा। और ये फिर बताता है इस लड़की को अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और दरअसल सीन ये होता है कि ये लड़की सोचती होती कि यंग मास्टर मेरा मास्टर है तो मैं किसी को नहीं बता सकती, यंग मास्टर ने कहा क्या था या फिर कहां पर है वो, और बटलर है तो उसका भी राइट है जानना, और मेरी लाइफ जो है खत्म है एक तरह से। और ये इस लड़की को मारने वाला होता है, और फिर बताता है अगर तुम नहीं बताती तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और डायरेक्ट एमसी आ जाता है इसे रोकता है, और फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन्हें मारने की, मतलब साला बटलर कैसे धुलाई कर सकता है, मुझे इस बात का सेंस नहीं बन रहा, मतलब मेरा बटलर होता फॉर एग्जांपल है भी नहीं लेकिन होता वो ये कांड करता, अगले दिन वो गायब होता, किसी को पता भी नहीं होता किधर चला गया, समझ रहे हो। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम जो यंग लेडी को क्यों लेकर गया, अगर उसे कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। और ये वापस इस लड़की को मार रहा होता है, मैं जो हूँ तुम्हें नहीं मार सकता हूँ लेकिन मैं इन्हें सबक सिखा दूंगा जो कि तुम्हारे सामने खड़ी होती है, एक तरह से तुम्हें सर्व करती है। और ये लड़की फिर एमसी को बता रहे होते कि मुझे ये कंट्रोल करने दो, मैं इसे बता देती हूँ ये नहीं करेगा। और ये जो एमसी की सिस्टर होती है छोटी, और फिर एमसी से बताते नहीं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ये जैसे ही मार रहा होता है एमसी यहाँ पर इसके थोड़े आगे चला जाता है, और ये एक तरह से इन सर्वर्स को मार रहा होता है लेकिन बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे नहीं बताने की, कहाँ गए हो तुम्हें पता है तुमने कौन सी मिस्टेक की है, और उन पे गुस्सा उतार रहा होता है। और एमसी फिर बटलर को बताते जरा इधर आना, और ये जो स्टूल पे चढ़ चुका होता है या फिर टेबल भी बोल सकते हो, और ये जैसे पास आ जाता है एमसी बताते हैं थोड़ा और क्लोज आ जाओ, इसे पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। एमसी इसे बताते कि इसी तरह रहो, ये फिर बताते कि यंग मास्टर एमसी डार्क रॉक जो इसे मारता है इसके दांत भी टूट जाते हैं, और ये दूर जाके गिर जाता है। फिर एमसी बताते कि ये काफी है, और ये एमसी को बताते कि तुम इतना ज्यादा ब्रूटल हो इतने ज्यादा यंग एज पर, मैं जो रिपोर्ट करूंगा इसे ओल्ड लेडी को। और मैं फिर दूसरी जगह दिखाई जाती है, और हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है, और बटलर आ जाता है ग्रैंडमा को बता रहा होता है कि इसने मुझे मार दिया लेकिन कोई नहीं ये जो ठीक है। फिर एमसी बताते कि सुना ग्रैंडमा ये बता रहा है कि सही है मैंने अच्छा किया इसको मारकर,
और ये लड़की भी बताती कि ये बटलर गया था और ब्रदर के जो कोर्ट यार्ड के अंदर जो है उनको मार रहा था बिना किसी रीजन के। और ये ग्रैंडमा फिर बताती कि क्यों ना हम सर्वेंट ही चेंज कर ले जो कि यंग मास्टर के कोर्ट यार्ड पर है। आयन से बताता कि नहीं मुझे जो है वो पसंद है, वो जगह शांत रहती है। आयन से बताता भी है कि चलो देखते कि तुम कैसे जो है बुली करते हो मेरे लोगों को मेरे ही कोर्ट यार्ड के अंदर। और ग्रैंडमा फिर बता देती कि चलो डिनर के बाद जो है मैं तुम्हारी सिस्टर को लेकर कैपिटल चली जाऊंगी। और वो बड़ी ट्राई करती है लेकिन ग्रैंडमा बोलती कि नहीं ये सेटल है। और ये बेचारी रोने लग जाती है। ये बटलर बहुत ज्यादा खुश होता है, मैं बटलर की आईएमसी भी इसे देख रहा होता है। अपने रूम के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर वही लड़की होती है, फिर बताती कि यंग मास्टर आ चुका है। आईएमसी इसे बताता है कि क्यों तुम अपने घर नहीं गई थी क्या? ये फिर बताती कि नहीं मेरे पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। और ये फिर बताती कि मुझे जो है भेज दिया गया था इस मेंशन पर ताकि मैं जो एक सर्वेंट लड़की बन सकूं। गर्ल बोलते है गर्ल। और मेरे पेरेंट जो है नहीं चाहते हैं मुझे। ऐसे ये खुद को सीसी बोलती है ना कि मैं, मतलब मुझे या मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। आईएमसी भी सोचता है इसके बारे में। आईएमसी इसे बताता है कि तुम जो मेरी जैसी हो। और ये फिर बताती कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिर एमसी बताता है कि तुम्हारे जो कोई भी पेरेंट्स नहीं है। और ये फिर एमसी को बताती लेकिन तुम्हारे तो पेरेंट्स है ना कैपिटल के अंदर। आईएमसी फिर बताता है लेकिन फिर भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे मेरे कोई पेरेंट्स ही नहीं है। आईएमसी इसे बताता है हाँ तुम यहाँ पर रह भी सकती हो लेकिन तुम्हें जो प्रिपेयर रहना चाहिए उस बटलर से क्योंकि वो तुम्हें मारेगा बुली करेगा। और बच्ची जो खुश हो जाती फिर बताती कि मैं जो हूँ रेडी हूँ। और इसी साथ रात हो जाती है। एमसी फिर बताता है कि भाई कैपिटल जो है किस टाइप की जगह है, अगर मेरी सिस्टर जो चली जाती है कैपिटल पर तो पता नहीं वो जो किस टाइप का फूड वहाँ पर खाएगी। एमसी फिर सोच रहा होता है कि भाई जैसे भी हो वहाँ का खाना जो है यहाँ से तो अच्छा होगा। फिर एमसी बताता है कि भाई मैं सो नहीं सकता, चलो भूल जाता इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर हमें कोई बंदा दिखाया जाता है जो कि एमसी के छत पे होता है लेकिन फिर भी एमसी सो नहीं पा रहा होता। एमसी बताता है कि चलो ये बुक ही चेक कर लेता हूँ, येलो बुक होती है जिसपे कोई भी टाइटल नहीं होता है। एमसी फिर बता रहा होता है कि ये बुक जो एक बंदे ने मुझे दे दी थी जो कि अंधा था जब मैं छोटा था, क्योंकि बचपन में मैं बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट ड्रामा वगैरह देखता रहता था तो मुझे लगा शायद से ये जो कोई अच्छा सा जीनियस टाइप का कल्टीवेशन मेथड होगा। और अचानक से यहाँ पर कोई लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और यहाँ पर कोई जो है देख रहा होता है एमसी को। एमसी रीड कर रहा होता है डायरेक्ट एमसी के पीछे वो आ जाता है। एमसी सोचता है कि भाई साला कुछ तो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर कोई बंदा होता है फिर एमसी को बताता है कि क्या तुम जो है फेंग यांग हो, ऐसे ही नाम है शायद से। तो एमसी बिल्कुल रिप्लाई नहीं देता और डायरेक्ट इसे गले मिल लेता है। फिर बता रहा था कि फादर तुम फाइनली आ चुके हो, मतलब ऐसे ही झूठ बोल रहा होता है। एमसी को बताया किला रही है। ये भी शौक हो जाता है कि फादर आई एमसी को हटा रहा था कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। फिर एमसी बताता है कि नहीं तुम मेरे फादर हो। एमसी डायरेक्ट इसके कपड़े ही फाड़ देता है और पीछे जाके गिर जाता है। तो एमसी इसे वापस से बताता है कि सॉरी फादर है। ये फिर बताता है कि भाई मैं तेरा फादर नहीं हूँ। एमसी फिर बताता है कि क्यों ना फादर तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ। ये फिर वापस से बताता है कि आखिरी दफा बता रहा हूँ मैं तेरा फादर जैसे बोलने वाला होता है कि नहीं हूँ। एमसी जो रोने वाला होता है फिर बताता है कि भाई जो भी है चलो कर लेते हैं जो भी है। आइए जो चाय पीने लग जाता है फिर बताते कि ये टीजे किसने प्रिपेयर की है। फिर एमसी बताते कि मेरी मदर ने। आइए फिर बताते कि ये फिर बताते ये नॉनसेंस है, तुम्हारी मदर जो है मर चुकी है जब तुम जो है बोर्न हो चुके थे। और एमसी बता रहा होता है कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ। ये वापस से बताते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। आइए फिर सोच रहा होता है अपने कपड़ों के बारे में कि मेरे कपड़े जो है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं जो कि भाई नाइफ से भी स्क्रैच नहीं हो सकते हैं और इस लड़के ने जो है फाड़ दिए जबकि ये छोटा सा है। और एमसी जो है वैसे 4 साल का है सच में। एमसी डायरेक्ट बताते हैं कि मदर तुम जो यहाँ पर आ चुकी हो। ये फिर देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एमसी पीछे आ जाते हैं इसको मारने के लिए। फिर बताते हैं कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये इम्पॉसिबल है, मतलब तुम्हारी मदर नहीं आ सकती है। एमसी रख के इसे मारता है और ये दूर जाके गिर जाता है। और ये जैसे ही वापस से उड़ने वाला होता है एमसी अच्छी खासी इसकी धुलाई कर देता है और ये यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और एमसी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी अपने उंगलियों में ताकि मैं जो हूँ इसे मार पाऊँ लेकिन मैं सिर्फ इसके कपड़े फाड़ पाया लेकिन लगता है कि ये अभी भी मरा नहीं है। और ये यहाँ पर बेहोश होता है और फिर बता रहा होता है कि यहाँ तक 2 दफा जो है पूरे स्ट्रेंथ में मैंने इसकी धुलाई कर दी फिर भी ये मरा नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये उड़ जाएगा तो ये मुझे जान से मार देगा। एमसी सोचता है कि क्यों ना मैं इसे मार दूं। और एमसी डायरेक्ट अपना स्वॉर्ड निकाल देता है इसे मारने के लिए लेकिन बेचारा इसे मार नहीं पाता। और फिर चला जाता है एक जगह पर और दरवाजा बजा रहा होता है। अंकल को बता रहा होता है कि अंकल बाहर आ जाओ, अंकल दरवाजा खोल दो। और ये फिर बता रहा होता है कि ये शॉप जो है क्लोज है, अगर तुम्हें जो कुछ खरीदना है तो कल आ जाना। और एमसी फिर बता रहा होता है कि मुझे जो एक असैसिन ट्राई कर रहे हैं मारने के लिए। ये फिर बताते तो मैं इसे रिपोर्ट कर लूं गार्ड को। एमसी से बताता है कि नहीं तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते इसे गार्ड पर क्योंकि मुझे लगता है शायद से मैंने उसे मार दिया है। और ये फिर बताते हैं एमसी को कि भाई क्या बकवास कर रहे हो। एमसी से बता रहा होता है कि भाई ज्यादा प्रेटेंड मत करो कि तुम मुझे
नहीं जानते हो जल्दी करो दरवाजा खोलो। एमसी की भी फटी हुई होती कि क्या पता सच में बंदे को मार दिया हो। एमसी से बताते कि तुम काफी सालों से इस स्टोर के अंदर छुपे हुए हो और तुम जो बचपन से मुझे अवॉइड कर रहे हो लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता है, लेकिन अभी रियल एक प्रॉब्लम आ चुकी है तो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और ये डायरेक्ट दरवाजा खोल देता है। एमसी से बताते कि बस बोसों के ज्यादा बातें मत करो, जल्दी करो मैं तुम्हें शो कराता हूँ। और ये जो लेकर आ जाता है ये इस बंदे को भी चेक करता है, फिर बताता है कि नहीं ये जो है मरा नहीं है। फिर एमसी बताता है कि दो दफा मैंने इसको सर पे मारा है, ये अभी भी मरा नहीं है। और ये फिर बताता है कि अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये लड़का जो है, और जैसे वो आगे खोल देता है एमसी इसे वापस से मार देता है। और ये फिर बताता है कि ये बंदा जो है मास्टर है और जो कि हेड है एक ब्यूरो का, और ये जो तुम्हारे फादर का एक बंदा है। फिर एमसी बताता है कि क्या, फिर एमसी इसे बताता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इसे वापस से हेड कर दिया था। और ये फिर बताते तुमने पूछा ही नहीं। एमसी फिर बताता है कि भाई इस बंदे की हालत खराब हो चुकी है देखकर ही लग रहा है। और ये फिर बता रहा होता है कि ये जो है मास्टर फी है, और ये जो है एक ऐसा बंदा है जो कि टॉप 3 बंदों में से एक है जो कि मास्टर है पॉइजन यूज करने के, तो ये जो है बता सकते हैं जिसमें पॉइजन है जिसमें नहीं है वो बना सकते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर है, मेरे पे गुस्सा तो नहीं होगा, मैंने साथ इसके साथ किया क्या। एमसी इसे बताते हैं क्यों ना इसे जो हम साइलेंस कर देते हैं मार देते हैं। और ये लड़का फिर एमसी को बता रहा था कि सच में भाई इतने ज्यादा यंग एज पे इतने ज्यादा क्रूर हो चुके हो तुम, और मुझे पता नहीं कि किसने तुम्हें ये चीजें सिखा दी है। एमसी फिर बताते हैं कि क्यों ना इसे मार देते हैं, किसी को भी इस वर्ल्ड के अंदर पता नहीं चलेगा इसके साथ हुआ क्या है, सिर्फ मुझे और तुम्हें पता होगा। भाई फिर बताते हैं मुझे पता है कि ये तुम्हारे फादर का जो है बंदा है, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है कि ये यहाँ पर आया क्यों है। भाई ये डायरेक्ट उठ जाता है, फिर बताते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। एमसी इसके सामने खड़ा होता है, वो गार्ड भी होता है। एमसी डायरेक्ट अपनी शॉर्ट छुपा देता है ताकि अवॉइड कर रहा था कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर बताते कि मेरे को क्या हो चुका था। एमसी इसे बताते कि तुमने वो चाय पी ली थी और अचानक से तुम बेहोश हो चुके थे, मुझे नहीं पता। भैया फिर बताते तो मेरे सर से ब्लड क्यों निकल रहा है। फिर एमसी बताते जैसे तुम नीचे गिर गए थे तुमने टेबल को हिट कर लिया था, ये उस वजह से हुआ है। भैया एमसी को देखते फिर बताते अच्छा तुम नहीं थे जिसने मेरे सर की हालत की है। फिर एमसी बताते कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। भैया फिर बताते कि अच्छा लेकिन भाई मैं तेरे पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी भी हंस रहा होता है। एमसी डायरेक्ट जो है अपने एंगल की तरफ करता है कि ये उसने किया था, और वो बेचारा भी कुछ नहीं बोल रहा होता। इसको देखो भाई इतने छोटे उम्र में हमें पसा रहा है। भैया फिर बताते कि अच्छा ये जो है मास्टर वो है, सॉरी ये सारा मेरा फॉल्ट था, मुझे जो है चुपके नहीं आना चाहिए था और तुमने मुझे सर पे मार दिया। और ये फिर बताते कि भाई मैंने तेरे को नहीं मारा, और डायरेक्ट एमसी की तरफ करता है कि भाई उसने तुम्हें सर पे मारा, और उसने तुम्हें एक दफा नहीं मारा, उसने तुम्हें 3 दफा मारा। वो गुस्से में आ जाता है। ये जो एमसी के अंकल को बता रहा था, वैसे अंकल तो नहीं है एक तरह से बॉडीगार्ड बोल सकते हो। और ये फिर बताते कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम जो 5th मास्टर हो और तुम जो है इस जगह पर होगे। और ये जो है फिर इसे बताते कि तुम यहाँ पर क्यों आ चुके हो। और फिर बताते कि लॉर्ड ने जो है बहुत सारा पैसे मुझे दिए हैं मुझे हायर करने के लिए ताकि मैं जो एमसी को सिखा सकूं और मैं इसका मास्टर हूं। और फिर एमसी से बताते कि फादर ने तुम्हें सेंड किया था। और ये अंकल जो इस मास्टर को बताता है कि लेकिन लॉर्ड ने जो है ऐसे कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था। और ये मास्टर फिर बताते कि भाई यंग मास्टर जो है जब बड़ा हो जाएगा तो वो जरूर कैपिटल जाएगा, वहां पर चीजें फेस करेगा, तो इसलिए ये अच्छा चांस होगा इसके लिए ताकि ये कुछ सीख सके। ये फिर बताते लेकिन अगर तुम कहते हो कि मुझे नहीं सिखाना चाहिए इसे तो मैं जो कैपिटल चला जाऊंगा, लेकिन लॉर्ड जो है तुमसे बात करेगा, समझ रहे हो। ये फिर बताते लेकिन मुझे लगा कि उसने जो है तुम्हें किसी और चीज के लिए भी यहाँ पर सेंड किया होगा, ये चीज सिंपल नहीं है। और ये फिर किसी एक बॉक्स के बारे में बताता है जो कि एमसी के मदर ने छोड़ दिया था, लेकिन एमसी के फादर को पता भी नहीं है उस बॉक्स के बारे में। और ये फिर बताते हैं वो बॉक्स है एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज है, तो कोई और भी चुराने का कुछ कर सकता है। और ये फिर बताते हैं इस मास्टर को कि लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला कि लेडी ने जो है उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर लिया था, तो वो कहीं पर भी नहीं है। मास्टर फिर बताते कि फिर ये सही है। ये जो फिर एमसी के बारे में बताते हैं लेकिन ये जो बहुत ज्यादा एक तरह से वियर्ड है, ये सिर्फ 4 साल का है लेकिन इसके पास मतलब इतने ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक है जो कि इसने सीख रखी है, क्या तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं कि इसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आइए फिर बताते हैं हाँ लेकिन सबसे वियर्ड चीज तो ये है कि मैंने इसको ये टेक्निक सिखाई भी नहीं है और पता नहीं इसने कैसे सीख ली ये वाली। और ये फिर बताता है क्योंकि सिखाना जो है तुम्हारा जॉब है ना कि मेरा। और ये सोच रहा था कि भाई अचानक से मतलब मैं इसको भी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमें ग्रैंडमा दिखाई जाती है, इसे फिर बताते कि तुम्हें क्या हुआ। और ये फिर बताते कि लॉर्ड ने मुझे भेजा है ताकि मैं एमसी का टीचर बन जाऊँ, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था तो किसी गैंगस्टर ने मुझ पर अटैक कर लिया था। और ग्रैंडमा फिर बताते कि अच्छा वो बहुत ज्यादा बुरा था, क्या वो पकड़ा गया। आइए फिर बताते कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो जो पकड़ा जा चुका है। आइए फिर बताते कि भले वो बहुत ज्यादा चालाक था, मुझे जो है मारा उसने, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता होगा उसे सबक सिखाने के लिए। और इसी के साथ एमसी जो है बाहर आ जाता है इसके साथ, और सारे लोग इसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि ये जो है दिखने में अच्छा नहीं लग रहा मतलब, लेकिन फिर भी ये जो एमसी का टीचर होगा तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसे। एमसी यहाँ पर आ जाता है, फिर इसे बता रहा था कि तुम जो मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना क्या हो चुका था। एमसी इसे बताते कि कल रात को जो है तुम आ चुके थे अचानक से मेरे कमरे के अंदर, वो भी नाइफ लेकर, तो मैं जो छोटा सा बच्चा हूँ तो मुझे डर लग गया था।
फिर इसे बताता है कि टीचर क्या तुम जो है मुझे सिखाओगे, या फिर बताता है कि मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम जो है कैसे पॉइजन यूज करोगे लोगों को मारने के लिए, और कैसे तुम अवॉइड करोगे ताकि तुम्हें कोई जो है पॉइजन ना दे या फिर तुम्हें पॉइजन देकर मार ना दे। एमसी फिर बताते कि ये ऑसम है और हम जो है कब शुरू कर रहे हैं। और मास्टर बीएमसी के बारे में सोच रहा था कि भाई सच में ये जो है 4 साल का है, और ये जो रात को इसी कहीं पर लेकर आ जाता है। मास्टर फिर बताते कि ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। फिर एमसी बताते कहाँ वो देखकर लग रहा है, और ये एमसी को बताते कि कोई सा भी ग्रेव जो तुम पकड़ लो और उसे जो है खोदना शुरू कर दो। एमसी बताते कि ये सही रहेगा, और ये डायरेक्ट शॉक हो जाता है। एमसी इसे बताते कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, क्यों ना मास्टर तुम मेरी हेल्प करो, और ये डायरेक्ट इसे दे देता। फिर बताते कि भाई खोदने लग जा तू, और यहाँ पर ये दारू पी रहा होता है एमसी लगा हुआ होता है। फिर बता लेते कि मास्टर मैंने जो है कर लिया है, और क्या मुझे जो है ये कॉफिन को खोलना पड़ेगा। जाते फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं किस लिए लेकर आ चुका हूँ। एमसी बताते कि हाँ तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ चुके हो ताकि यहाँ पर हमें कोई लाश मिल जाए, और ताकि मैं जो ऑटोप्सी इस पे कर लूँ, मतलब कि पूरे बॉडी पार्ट्स वगैरह देख लूँ अंदर क्या सिस्टम है, ताकि मैं ह्यूमन के बॉडी पार्ट को समझ पाऊँ, जो कि पहला लेसन रहेगा। और ये सोच रहा था कि साले इसको कैसे बता है। एमसी को बताते कि क्या तुम्हें डर भी नहीं लगता बिल्कुल भी। एमसी डायरेक्ट इसे तोड़ देता है, और फिर ऐसे बता रहे होते कि टीचर तुमने कुछ बोला है। वो फिर बताते कि नहीं नहीं और फिर ऐसे नाइफ देते है कि भाई इसको जो है काटो, इसे ओपन कर दो और पता लगाओ कि ये जो कैसे मरा था। एमसी जैसी लाश को देख लेता है, आइए आस रहा होता है, फिर बता रहा था कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है, और ये सोच रहा था इसे डर लगेगा, उसे काफी ज्यादा डर लग चुका होगा। एमसी फिर बताते कि डरना भाई मेरे को कोई भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो जर्म से फुल होगा तो मुझे कुछ चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये फिर बताते कि क्या, ये फिर बताते कि जर्म्स क्या होते हैं। एमसी बताते कि मेरा मतलब ये कि ये गंदा है, क्या तुम्हारे पास कोई ग्लव्स है। और ये एमसी को बता रहा होता है कि ऑटोप्सी जो है वो बहुत ज्यादा ही एक तरह से प्रिसाइज काम है, तो तुम्हें ग्लव्स चाहिए इसके लिए। एमसी फिर बताते कि मैं ग्लव्स की बात कर रहा हूँ उस टाइप की जो कि बिल्कुल ही पतले होते हैं, जो कि तुम्हारे उंगलियों से चिपक जाते हैं एक तरह से। ये फिर बताते हैं मास्टर के भाई इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना है, और जब तुम नाइफ को यूज कर लोगे तो अपने हाथ धो लेना, बात खत्म। एमसी बताते हैं चलो फिर कुछ ना कुछ कर लेता हूँ मैं, और लग जाता है इस बॉडी को चेक कर रहा होता है। और एमसी को बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्या मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हें जो ये पॉइजनिंग का मेथड क्यों सिखा रहा हूँ, पॉइजन यूज करने का या बनाने का। फिर एमसी बताते हैं कि कोई ना कोई मुझे फ्यूचर में जरूर मारने की कोशिश करेगा, तो इसलिए तुम मुझे सिखाना चाहते हो पॉइजन के बारे में, ताकि मुझे जो है कोई पॉइजन से ही ना मार दे। और ये वो एमसी के गार्डियन के बारे में बताते हैं कि भाई भले उसे जो है पॉइजन ना लगे, लेकिन तुम्हें पॉइजन लग सकता है, तुम उसे मर सकते हो। फिर एमसी बताते हैं कि याद आया, क्या तुम मुझे अंकल के बारे में बता सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। और मास्टर फिर बताते हैं कि वो जो है तुम्हारे मदर का सर्वेंट था, बहुत ज्यादा स्किलफुल था, वो जो है मतलब इक्वल है 4 ग्रेट मास्टर के लेवल तक। फिर एमसी बताते हैं कि मेरी मदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आया फिर बताते कि हाँ तुम्हारी मदर जो एक तरह से यूनिक थी बहुत ज्यादा। फिर एमसी बताते हैं लेकिन वो मरी कैसी। अरे फिर बताते हैं कि सॉरी लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। अचानक से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सवाल क्यों आ चुके हैं, और तुम्हारे फेस पे क्या हो रहा है अचानक से। एमसी डायरेक्ट उल्टिया करने लग जाता है, ये फिर हंस रहा होता है कि ऐसी भी चीजें जिसको तुम सह नहीं पाते हो। एमसी सोचते कि साले ये किस टाइप का टीचर है। आइए जी फिर एमसी को बताते कि बस ये शुरुआत है, फ्यूचर में तुम जो और ज्यादा हार्ड चीजें देखने वाले हो। ऐसे के साथ अगला दिन हो जाता है, एमसी को ये खाना देता है और फिर बताते कि खा ले क्योंकि तुमने जो रात को बहुत ज्यादा काम कर लिया था। एमसी सोच रहा होता है कि भाई मतलब मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके सर पे जितनी भी चोट लगी है वो मेरी वजह से लगी है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब मेरा ध्यान रख रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे साथ। आई एमसी को बताते कि क्या कर रहे हो, जल्दी खाओ। और फिर एमसी इसे बताते कि यहाँ तक कि तुम अंकल के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम्हें उसे डर लगता है क्या। आइए फिर बताते कि क्या मतलब है डर लगने का, बस मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ। फिर एमसी बताते कि क्या वो पावरफुल है। आइए फिर बताते कि वॉरियर जो इस वर्ल्ड के अंदर है वो डिवाइडेड है 9 रैंक्स के अंदर, लो से लेकर हाई तक, और 9 रैंक के बाद जो है फिर आ जाते हैं 4 ग्रेट मास्टर्स। और ये फिर एक मास्टर के बारे में बताते हैं कि जो कि अपने लाइफ में कभी भी हारा नहीं है, दूसरे मास्टर के बारे में बताते हैं। वैसे नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी वो नाम याद रहेंगे, और ना ही मैं जो हूँ प्रोनाउंस कर पाऊंगा सही से। फिर बताते हैं कि एक गंजा है जो कि मॉन्क है, जो कि जाना जाता है कि भाई वो गॉड से बहुत ज्यादा क्लोज है। और फिर तीसरा बंदा बताता है जो कि लॉर्ड ऑफ एक सिटी का होता है, और जो कि अपनी सिटी को डिफेंड कर सकते हैं एक ही स्वॉर्ड की मदद से। और फिर चौथा बंदा भी दिखाया जाता है जो कि गार्ड है किंग के कैसल या फिर प्लेस के अंदर बोल सकते हो, और जो कि मतलब वहां पर प्रोटेक्ट कर रहा है अपने किंग को। फिर आ जाता है एमसी का अंकल, जो कि जाना जाता है वर्ल्ड के अंदर कि ये जो 5th मास्टर हो सकता है। और ये फिर बताता है अगर वो जो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते तो वो जो मास्टर के टाइटल से जाने भी नहीं जाते हैं। फिर एमसी बताता है कि सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अंकल इतने ज्यादा स्ट्रांग होगा। और एमसी फिर बताते हैं कि यहाँ तक अंकल ने जो मुझे एक बुक दी थी जब मैं छोटा था, वो भी एक पावरफुल टेक्निक होगी शायद से। ये फिर बताते हैं कि हाँ तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और एमसी को बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी जो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी, मतलब इतनी ज्यादा हो चुकी कि तुम्हारी बॉडी को वो पावर सहना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर एमसी बताते हैं कि कोई ये सीरियस तो नहीं है।
आपसे फिर बताते कि तुम एक्सरसाइज करो, वो टेक्निक अपने बॉडी पर यूज करो, वो जो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो मैं चेक करता हूँ। एमसी शुरू हो जाता है अपनी एबिलिटी यूज करता है, और फिर ये जो एमसी को चेक कर रहा होता है, फिर बताते कि रिलीज करो पूरी एनर्जी को। और जैसे ये रिलीज करता है पूरी एनर्जी को, एक फायर टाइप की निकलती है इसके बॉडी से, और ये अपनी पूरी पावर दिखा देता है। फिर बताते हैं, टीचर क्या तुमने फील कर दिया? लेकिन टीचर यहाँ पर होता ही नहीं है, वो पीछे जाके गिर गया होता है। फिर एमसी बताते हैं कि टीचर क्या हुआ, और जल्दी से उसके पास चला जाता है। और एमसी फिर बताते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें चोट लग जाएगी, मेरी वजह से तुम्हें वापस से चोट लग चुकी है। फिर एमसी को यह बता रहा होता है कि साला तुम चीज क्या हो, मतलब तुम सिर्फ 5 साल के हो लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल हो। फिर एमसी बताते हैं कि लगता है कि मैं जो बहुत ज्यादा गिफ्टेड हूँ, हंस रहा होता है। आइए फिर एमसी को बताते हैं कि मैं तेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ। और ये एमसी को बता लेते हैं कि तुम जो एक तरह से जार बन चुके हो, और जितना भी तुम और कल्टीवेट करते हो फ्यूचर के अंदर, वो जार जो है बढ़ता जाएगा, एंड में तुम फट जाओगे। फिर एमसी बताते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। आइए फिर बताते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। अचानक से ये आ जाता है, फिर बता रहे होते हैं कि भाई दो गधे यहाँ पर खड़े हुए हैं। एमसी बताते हैं कि मास्टर तुम कब आ चुके हो। एमसी इसके पास आ जाते हैं, अंकल के पास, वो बता रहा होता है कि जो बुक तुमने मुझे दी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। आइए फिर बताते हैं कि मैंने तेरे को वो बुक नहीं दी थी, वो बुक जो है तुम्हारी मदर की थी जो कि मैंने तुम्हें दी थी। फिर एमसी बताते हैं क्या उसका नेम है, ये उसे नाम भी बताता है, और नाम जो कोई डोमिनेटिंग अजीब सा होता है। और एमसी खुद भी बताता है कि भाई बहुत बुरा नाम है, लगता है कि तुमने ये नाम जो है अभी बना लिया ऑन द स्पॉट। और मास्टर जो एमसी के अंकल को बताता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई तो रास्ता होगा इसकी पावर्स को कंट्रोल करने में। एमसी बताते कि हाँ। और ये फिर बताते कि मेरे पास क्लू कोई भी नहीं है। मास्टर फिर बताते कि तुम्हें नहीं है क्लू? ये फिर बताते कि हाँ, मैंने कभी भी जो ये टेक्निक कभी प्रैक्टिस नहीं की अपनी लाइफ के अंदर। और ये दोनों इसे देखते घूरते हैं, और डायरेक्ट जो शॉक हो जाते हैं कि साला फिर तू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और आई थिंक इसके अंदर जो जिंक की है, जो भी है, शायद से वो जो स्पिरिचुअल की या एनर्जी की है, शायद से वो हो सकती है, मतलब इस कॉमिक के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर। और ये सोच रहे होते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर किसी के पास वो जिंक की नहीं होती बॉडी के अंदर तो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। या सच में ये जो सिर्फ मार्शल आर्ट पे ही जो रिलाई रहता है सब कुछ करने के लिए, ये बंदा है ह्यूमन भी है क्या नहीं है? और ये बहुत ज्यादा डरावना है, तो भाई मुझे चढ़ना भी नहीं चाहिए। और एमसी सोच रहे होते कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये एमसी को बताते कि भाई तू नहीं फटने वाला। और ये फिर बताते कि हाँ मुझे बता था, मास्टर के पास सोल्यूशन है। एमसी भी बताते कि हाँ जल्दी करो, मुझे बताओ क्या सोल्यूशन है। और ये एमसी को बताते हैं बस ऐसा काम करो, सिंपल सा टेक्निक है, तुम ये प्रैक्टिसिंग करना ही छोड़ दो इस टेक्निक को। और एमसी भी शॉक हो जाता है, और दूसरा मास्टर भी शॉक हो जाता है कि भाई क्या बोल रहा है ये। और इसी के साथ अगला दिन हमें दिखाया जाता है, और मास्टर एमसी को बता रहा होता है कि ये मशरूम खाओ। फिर एमसी बताता है कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। और इसी के साथ जितने और जो है साल गुजर रहे थे, एमसी ने जो है हर टाइप का पॉइजन जो है सीख लिया था बनाना या फिर टेस्ट करना। लेकिन अगर एमसी के पास ये मास्टर नहीं होता तो एमसी जो है टाइम से पहले ही लुढ़क चुका होता। ये फिर एमसी को बताते हैं कि तुम जो मुझे फॉलो कर रहे थे पूरे साल से, और तुमने जो ऑलमोस्ट हर चीज सीख ली है। एमसी फिर बताते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे तुमने चीजें सिखा दी है पूरा साल जो तुम मुझसे रिवेंज ले रहे थे। एमसी फिर इसे बताते हैं, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग विल नहीं होती तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता तुम्हारे साथ, और मुझे पता नहीं कि मैं कितनी दफा मर जाता। फिर मास्टर बताते हैं तुमने सीख लिया सर्वाइव करना, जबकि इतनी ज्यादा चीजें तुम्हारे साथ हो चुकी है, तो तुम्हें ज्यादा जो है अटेंशन नहीं देनी चाहिए प्रोसेस पे कि मतलब कैसे तुम यहाँ तक पहुँच आए हो। तुमने जो है ऑलमोस्ट हर चीज सीख ली है एक साल के अंदर, और अभी जो है मैं मतलब यहाँ से जा सकता हूँ। फिर ऐसे बताते कि क्या मतलब, क्या तुम जो हो कैपिटल जा रहे हो? अरे फिर बताते कि हाँ, मुझे जो ऑर्डर आ जाएंगे ऊपर से, मतलब एमसी के फादर से, और मैं जो वापस से चला जाऊंगा वहाँ पर एक महीने के अंदर ही। फिर ऐसे बताते इसका मतलब ये कि ये जो हमारा आखिरी मंथ होगा। एमसी को बताते हैं लेकिन फिर भी मुझे जो है तुम पे रिवेंज लेना है जो तुमने मेरे साथ किया था जाने से पहले। फिर एमसी बताते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा है? ये रिवेंज जो तुम पूरे एक साल से मुझसे ले रहे थे। अचानक से एमसी से ब्लड निकलता है। एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, मैंने तुम्हें वापस से पॉइजन कर लिया था, और अगर तुम ज्यादा हिलोगे तो भाई पॉइजन बहुत ज्यादा फैल जाएगा जल्दी ही। और फिर एमसी जो है बाहर आ जाता है इसके साथ, और ये एमसी को बताता है कि जरा सोचो तुम्हें किस टाइप का पॉइजन लग चुका है, और फिर उसके लिए जो एंटीडोट अपने लिए बनाओ, तभी जो है तुम एक रियल पॉइजन मास्टर बन सकते हो। और एमसी जो अपनी ब्लड को टेस्ट कर रहा होता है, और ये फिर बता रहा होता है कि किस किस टाइप से जो है तुम बनाओगे ये। और एमसी लग जाता है इसे बनाने में, और फाइनली एक पॉइजन सूंघ लेता है। फिर बताते कि ये वाला, फिर मास्टर बताते कि तो ट्राई करो। और ये डायरेक्ट अपनी छतरी खोल देता है। फिर एमसी बताते कि क्या हुआ। फिर एमसी जैसे बताने वाला था कि टीचर क्या मैंने राइट सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट एमसी से ब्लड निकलता है, वो भी नाक से। और फिर मास्टर बता रहा होता है एमसी को कि मैंने तेरे को बताया था कि बोतल चेक करने, मैंने ये नहीं बताया था उसके अंदर जो एंटीडोट होगा। और एमसी की हालत खराब हो चुकी होती है,
फिर बताते हैं कि भाई तेरा जैसा टीचर कैसे हो सकता है। आयम से बताते हैं कि तुम मुझे भी पॉइजन कर सकते हो, फिर हमसे बताते हैं कि तुम्हें पॉइजन, और ये फिर बताते हैं कि हाँ अगर तुम जो मुझे पॉइजन कर देते हो तो तुम जो है एक पॉइजन मास्टर बन जाओगे, कैसा रहेगा। आयम से फिर सोचता है कि बस रुक जाओ देखो जरा, और इसी के साथ रात हो जाती है और ये जो अपनी ड्रिंक कर रहा होता है। फिर आयम से बताते हैं कि टीचर मैं जो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ चुका हूँ खाने के लिए, और टीचर फिर बताते हैं कि कैसे मतलब तुम इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हो कि खाना भी यहाँ पर लेकर आ चुके हो। फिर एमसी बताते हैं कि ये डिसाइबल ही करते हैं। फिर एमसी इसे बताते हैं कि तुम आराम से खा लो, पेट में तुम्हारे दर्द नहीं होगा, और डायरेक्ट टीचर इसे रोक देता है और फिर बताते हैं कि ये खाना वगैरह तो तुम छोड़ दो, लेकिन ये जो ड्रिंक लेकर आए हो ये इसे लेकर चले जाओ। फिर एमसी बताते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुमने जो सूंघ के बता दिया क्या। और टीचर भी बताते हैं कि हाँ हाँ भाई तुम अभी भी छोटे हो, मेरे को ट्रिक नहीं कर सकते हो। एमसी इसी की तरह बाहर आ जाता है और हंस रहा होता है। और इसी के साथ अगला दिन भी हो जाता है और अचानक से इसके नाक से खून बह रहा होता है और ये भी शॉक हो जाता है और हमसे हंसने लग जाता है। और फिर बताते हैं कि टीचर मैंने जो है तुम्हें पकड़ लिया, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, मतलब तुम्हें ट्रिक कर दिया। टीचर बताता है कि किस टाइप का पॉइजन था। आयुषी फिर बताता है कि ये पॉइजन कहलाया जाता है टाइम। आयुषी से बताता है कि कुछ दिनों से तुम जो एक हाई ग्रेड का खाना खा रहे थे और तुम जो मतलब हिलते नहीं हो, यहीं पर ही पड़े रहते हो, ज्यादा पानी भी नहीं पीते हो बल्कि ड्रिंक पीते हो उस पर, और तुम जो बहुत ज्यादा खाना भी शॉर्ट टाइम के अंदर खा रहे थे, तो वो जो तुम्हें पॉइजन कर सकता है, फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी टीचर को। टीचर बोलू मास्टर बोलू भाई दोनों सेम ही है। अरे फिर बताते कि सच में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो कि तुम्हें जो है नए तरीके भी पता है पॉइजन करने के लिए। फिर हमसे बताते तो फिर मैं जो हूँ एक मास्टर बन चुका हूँ पॉइजन। अरे फिर हंसता है कि हाँ, और फिर हमसे बता रहा था कि फाइनली मैं पॉइजन मास्टर बन चुका हूँ। हमें फिर अगला दिन दिखाया जाता है और ये मास्टर जो उस दिन जा रहा होता है और फिर बताता है कि क्यों ना हम जो यहाँ से अलग हो जाते हैं, तुम वापस से घर चले जाओ। हमसे फिर बताता है कि काफी सालों से मैं जो है ट्रस्ट करता था अंकल पर, और ये फिर बताते हैं कि हाँ वो जो है ट्रस्टवर्दी बंदा है। फिर हमसे बताता है लेकिन फिर भी अभी मेरे लाइफ के अंदर एक दूसरा बंदा भी आ चुका है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो हो तुम टीचर, तो इसलिए मेरे बारे में कभी भी मत भूलना और इस जगह के बारे में भी। और ये फिर बताते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा भूलना इस जगह के बारे में, और ये कोई चीज निकाल देता है। फिर बताता है कि ये ले लो, ये जो है नेम टैग होगा, डीन ने जो है मुझे बताया था तुम्हें देना, और ये आई थिंक शायद से लॉकर का मतलब पैसा वैसा होगा जो कि इसकी मदर ने छोड़ दिया था इसके लिए। ये फिर बताता है कि ये सब कुछ अभी तुम्हारा है। फिर उसे बताता है हाँ मेरे पास भी कुछ है जो कि तुम्हें देने हैं। एमसी फिर बताता है कि ये जो है मेडिकल ग्लव्स है और ये जो है एमसी ने शीफ के इंटेस्टाइन से बनाए होते हैं, तो एमसी बताता है कि ये याद रखना जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे पॉइजन के साथ तो ये पहन लेना, और ये पहन लेता फिर बताता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है थैंक यू, और इसी तरह ये जो जाने लग जाता है। और ये एमसी को बता रहा होता है कि काश मैं पहले यंग होता तो मैं भी किसी से शादी करके तुम्हारे जैसा लड़का जो है बड़ा करता बहुत ज्यादा चलाक, और इसी के साथ ये चला जाता है। और एमसी फिर बताता है कि टीचर मैं जो मेक श्योर करूंगा कि फ्यूचर में तुमसे वापस से मिलूं। और मास्टर फिर सोचते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल सीन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है इसके बारे में कि ये बॉल किस टाइप का रहा है। और इसी के साथ हमें वापस से घर दिखाया जाता है और एमसी का अंकल आ चुका होता है। वैसे और कभी तो ये होता नहीं एमसी के साथ, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी ज्यादा आ रहा है। एमसी इसे बताता है कि क्यों तुम जो ड्रिंक्स नहीं करते हो, मैं जो ये ड्रिंक्स स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, अगर तुम जो नहीं चाहते हो तो फिर मैं जो हूँ ये सारा पी लूंगा। और ये फिर बताते कि बच्चे जो है ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। फिर एमसी बताते कि अंकल एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीजें तुमसे पूछनी है, और एमसी काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा होता है मार्शल आर्ट्स के बारे में, अपनी मदर के बारे में, फिर बता रहा होता है कि कौन बेस्ट हो तुम या फिर मास्टर बेस्ट था, और बहुत सारा चीज है, और मेरे को ये रीजन भी बताओ कि तुम जो ड्रिंक्स क्यों नहीं करते हो। और ये अंकल करते करते बेहोश हो जाता है और यहाँ पर इसकी आंखें बंद हो जाती है, और जैसे आंखें खुलता है ये फिर बताते कि तुम उठ चुके हो। फिर एमसी उठ जाता है और एमसी बता रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, क्या हो चुका है मेरे साथ। और ये फिर बताते कि कल रात को तुम सो चुके थे तो वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर एमसी इसे बता रहा होता है कि वो बुक जो तुमने छोड़ी थी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इस पावर को कंट्रोल करने में, तो इसलिए मुझे सिखा दो। आई फिर बताते कि ऑलरेडी मैं तेरे को बता चुका हूँ मेरे पास कोई भी क्लू नहीं उसके बारे में। फिर एमसी बताते कि हाँ मुझे याद है, तो अभी जो है हमें क्या करना चाहिए। आई फिर बताते लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन है। एमसी बताते कि क्या। आई फिर बताते कि मैं तेरे को मारूंगा। एमसी बताते कि उसके बाद क्या होगा। आई एमसी को बताते कि फिर तुम भागोगे। एमसी बताते कि क्या चल रहा है। फिर एमसी बता रहा होता कि तुम और टीचर जो है दोनों मुझे बुली करते थे, क्या हो चुका है तुम्हें। आई फिर बताते कि तुम्हें जो है जितनी भी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर है उसे कंज्यूम करना पड़ेगा एक तरह से, जितनी जल्दी हो सके उतना, अगर तुम जो नहीं करोगे तो तुम जो है फट जाओगे। और अपनी एनर्जी जो है फोकस करो अपने पैरों पर और जितना तेज हो सके दौड़ो। और ये भी भागने लग जाता है। एमसी बताते कि रुक जाओ अंकल मैं भी आ रहा हूँ, और ये भी अपने पावर्स को यूज करता है। वैसे तब भी अंकल इससे काफी ज्यादा आगे होता है
फिर एमसी बता रहा होता है कि अभी मुझे पता चला कि मैं जो इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा और भागता हूँ तो क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ अगर तुम मेरी धुलाई करोगे। और यह रख के इसे मार देता है और पीछे जाके गिर जाता है। फिर एमसी बता रहा होता है कि अंकल वो जो स्नीकी अटैक था, ये एमसी को बता रहा होता है कि अकेला भागना काफी नहीं है, तुम्हारे पास जो है अच्छी आंखें होनी चाहिए और अच्छा रिएक्शन होना चाहिए जब मैं तुम्हें हिट करूँ तो तुम अवॉइड कर पाओ, और उसी के बाद जो है तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर एमसी बताते कि अच्छा तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं फोकस नहीं कर रहा था, ये फिर बताते कि हाँ। अब वापस एमसी भागने लग जाता है और ये भी एमसी के पीछे लग जाता है। एमसी दौड़ रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि अगर मैं ये एनर्जी यूज करता हूँ तो मैं जो फोकस कर सकता और ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। फिर एमसी सोच रहा था अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ लगता है कि अंकल मेरे पीछे नहीं आएगा, मतलब पकड़ नहीं पाएगा मुझे, और ये एक तरह से उड़ रहा होता है। फिर बताते कि ऑलरेडी मैं जो अगल से दूर जा चुका हूँ, वो मुझे नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो जो एमसी के पीछे होता है। एमसी बताते कि क्या, और एमसी को रख के मारते हैं, एमसी नीचे आ जाता है। फिर बताते कि क्या हो रहा है यहाँ पर, टीचर जो अभी जा चुका है जो कि मेरी धुलाई करता था, लेकिन अभी जो है तुमने उसकी जगह ले ली है। एमसी यहाँ पर नीचे आके गिर जाता है और ये एमसी को बता रहा होता है अगर तुम जो मुझे मारते हो, मेरी बॉडी को हिट कर लेते हो, या फिर यहाँ तक के मेरे जो है कपड़ों को भी तुम जो है हिट कर लेते हो तो मैं जो समझ जाऊंगा तुम जो क्वालिफाई हो। एमसी बताते है कि ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है और जैसे मुक्का मारने वाला होता है फिर बताते है कि मेरी जो है पूरी एनर्जी का मुक्का चेक करो, लेकिन ये इसे रख के मुक्का मार देता है और पीछे जो है स्टोन पे लग जाता है। और फिर बताते है कि मैं वापस से आ रहा हूँ, लेकिन तब भी इसकी अच्छी खासी धुलाई हो जाती है और इसी के साथ टाइम जो गुजर रहा होता है, एमसी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है लेकिन तब भी इसे हरा नहीं पाता। और इसी के साथ हमें जो है एमसी दिखाया जाता है जो कि 16 साल का हो चुका होता है, टाइम स्किप अच्छा था, और ये जो एमसी को डायरेक्ट मार देता है, एमसी पीछे चला जाता है और यहाँ पर जो छुप जाता है, वेट कर रहा होता है कि भाई इसको तो हिट करना ही है, और एक स्टोन उठा लेता है हाथ में और जैसे स्टोन पीछे फेंकते है ये उसकी मूवमेंट देख लेता है, एमसी जो पीछे आ जाता है। और रुको जरा, मैंने आज तक नोटिस नहीं किया, इस लड़के ने मतलब एमसी के अंकल ने अपने आंखों पे ये पट्टी डाल रखी थी। भाई अभी मैंने फोकस किया, मैंने स्टोरी कब से मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मुझे लगा इसकी आंखें दिखती थी या फिर नहीं दिखती थी, लेकिन तब भी ये एमसी की धुलाई कर देता है और एमसी पीछे जाके गिर जाता है। ऐसे ऐसे बता रहे थे कि अंकल क्या तुम जो थोड़ी इजीली मुझे मार सकते हो, और ये एमसी के पास आ जाता है। फिर बताता है कि अभी जो तुम क्वालिफाई हो चुके हो, फिर एमसी बताता है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें हिट नहीं किया है, और ये फिर बताता है लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और ये जो एंड होगी ट्रेनिंग की। एमसी बताते है कि नहीं, ये जो काफी नहीं है, मुझे और भी कंटिन्यू करना है, और ये एमसी की और धुलाई कर लेता है। फिर बताते है कि ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी विश हो। इसी के साथ रात हो जाती है और एमसी अपने रूम के अंदर आ जाता है। फिर बताते है कि मिस्टर वू का अटैक जो बहुत ज्यादा हैवी था, क्या तुम ठीक हो। फिर एमसी बताते है कि ये मैं जो हूँ जब छोटा था तब भी सोचता था कि मेरी बहुत ज्यादा धुलाई होती है, लेकिन ये एक तरह से मेरे लिए ट्रेनिंग है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और अंकल मुझे मारते इसलिए ताकि मैं जो अपने आई साइड को ट्रेन कर सकूं, मैं चीजों को देख सकूं और अच्छी तरीके से फाइट कर सकूं। एमसी बताता है कि वो मुझे इसलिए मार रहा है ताकि मैं जो अच्छा हो जाऊं। एमसी की मेट फिर सोच रही थी कि लगता है कि भाई एमसी के सर पे चोट लग चुकी है, पागलों वाली बातें कर रहा है। एमसी फिर बताते कि अंकल ने बताया था कि ये ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, जब रेड कपड़ों में जो है गार्ड्स आ जाएंगे तब जो है रियल डेंजर आएगा। और ये लड़की फिर बताती कि रियल डेंजर, फिर एमसी बताते कि नहीं उसके बारे में भूल जाओ, मैं जो कैसे इतनी ब्यूटीफुल रात जो है वेस्ट कर सकता हूँ। आहा, बच्ची शर्मा जाती है, एमसी इसके साथ शुरू हो जाता है। मैंने ये कॉमिक पढ़ी है लेकिन मुझे ये सीन याद नहीं था। एमसी के साथ सुबह हो जाती है, एमसी वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है, अचानक से घोड़े की आवाजें आ रही होती है। एमसी बताते कि ये क्या हो रहा है, और बहुत सारे घोड़े होते हैं ऐसे तो। एमसी बताते कि इस आवाज से लग रहा है कि कोई वेल ट्रेन आर्मी आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा नाइट्स के साथ। और जैसे एमसी बाहर आ जाता है देखने के लिए, और यहाँ पर जो लाल कपड़ों में उसी तरह गार्ड्स आ जाते हैं। फिर एमसी बताते कि अच्छा ये वही गार्ड्स है, और ये डायरेक्ट आ जाते हैं और नील करते हैं, मतलब झुक जाते हैं नील करते हैं। भाई मुझे नील में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ये बताना जरा। आइए फिर बताते हैं कि हमें जो ऑर्डर मिल चुका है एमसी के फादर की तरफ से कि वो जो है चाहता है कि तुम वापस से कैपिटल में आ जाओ। फिर एमसी बताते हैं कि कैपिटल, एमसी अपने ग्रैंडमा के पास आ जाते हैं। फिर बताते हैं कि लोग आ चुके हैं, वो मुझे ले जाना चाहते हैं कैपिटल पर। आइए फिर बताते हैं, हाँ मुझे पता है लेकिन मैंने जो है उनको मना कर दिया है कि नहीं वो तुम्हें नहीं लेकर जा सकते। आइए बता रही होती कि कैपिटल जो है वो अच्छी जगह नहीं है, सेफ जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मदर भी जो है वो कैपिटल के अंदर मर गई थी जब वो कैपिटल चली गई थी, वो जो है मतलब जिंदा रह पाती अगर वो कैपिटल नहीं जाती। फिर एमसी बताते हैं लेकिन फिर भी वो बाहर झुके हुए हैं और वो बता रहे कि वो चाहते मुझे लेकर जाना। ग्रैंडमा फिर बताते कि भाई नील करने दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, और जब वो नीचे गिर जाएंगे मर जाएंगे तो उनकी बॉडीज उठा लेना। फिर एमसी सोचते हैं कि वाह, ग्रैंडमा जो है बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है।
फिर एमसी बताते हैं कि चलो ग्रैंड मा बाद में मिलते हैं। और ये जो कुछ काट रही होती है, फिर बताते हैं कि ये जो खराब हो चुका है। एमसी यहाँ पर आ जाता है, कुछ बना रहा होता है अंकल के शॉप पर ही। और एमसी बताते हैं कि अंकल एक सीरियस क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं कब से सोच रहा हूँ। अंकल फिर बताते हैं अगर कैपिटल तुम्हें जाना है या फिर नहीं जाना वो तुम पर है। फिर एमसी बताते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ये पूछने वाला था। फिर एमसी इसे बताता भी है कि वो क्यों चाहते हैं मुझे अचानक से कैपिटल लेकर जाना। मैं चाहता हूँ वहाँ पर जाना, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है कि वहाँ पर डेंजर हो सकता है। अंकल तुमने मुझे कहा था कि मेरी मदर भी जो कैपिटल के अंदर मरी थी, मेरी मदर किस टाइप की थी जब वो जिंदा थी। और ये एमसी को बताते कि मैं जो तुम्हें फॉलो करूंगा। फिर एमसी बताते कि क्या, ये फिर बताते कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। एमसी बताते कि अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है मैं जो पूछना चाहता हूँ काफी टाइम से। ये फिर बताते कि क्या, ये इतने ज्यादा तुम यंग कैसे हो, मतलब मैं जब से छोटा था तब से तुम वैसे की वैसे ही हो। और इसी के साथ यहाँ पर जो है खाना रेडी हो जाता है, एमसी आ जाता है। और एमसी बटलर से भी पूछता है कि भाई ग्रैंडमा ने खा लिया है, वो जो अभी रीडिंग कर रही है बाद में ज्वाइन करेगी। और एमसी बताते कि ठीक है, जैसे ही खाने लग जाता है। फिर एमसी बताते कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसे मैं जो अपने रूम में लेकर चला जाता हूँ खाने के लिए। और ये फिर बताते कि एक ही प्लेट लेकर जा रहे हो, औरों का क्या होगा, मतलब जितना रह चुका है। फिर एमसी बताते कि वो तुम खा लेना और लोगों के साथ भी शेयर कर लेना। ये फिर बताते कि इसे देखो, ये जो इललीजिमेट बच्चा है, शायद से मतलब कॉन्क्यूमाइन का हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यानी कि लगता है कि एमसी के फादर के और भी वाइफ्स हैं। और ये फिर बताते कि मास्टर जब भी पहली चीज खाता है जो भी बनती है और जो बच जाती है वो फिर जो सर्वेंट खाते हैं, जो कि कॉमन चीज है। ये यहाँ तक कि ये भी बताते कि यंग मास्टर जो है उसको टेस्ट करना पड़ता है सब डिशेस को, वो जो एक एक को टेस्ट करके एक प्लेट उठा के चला जाता है। और तुम्हें पता है शायद से एमसी इसलिए इसे एक एक को टेस्ट कर रहा था कि पॉइजन इसके अंदर ना हो, मे भी। और ये फिर बताते कि हाँ मुझे भी पता नहीं है कि ये कर क्या रहा है और वो बूढ़ी जो है इसे क्यों पसंद करती है। चलो ये खाना खा लेते हैं। एमसी जाने लग जाता है, फिर एमसी की मेट बताते कि क्या हुआ। और फिर एमसी बताते कि इस फूड के अंदर जो है पॉइजन है। ये फिर बताते कि पॉइजन, एमसी बताते कि हाँ किसी ने जो इस प्लेट को पॉइजन कर दिया है। एमसी सोच रहा होता कि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि सब खाना जो है टेस्ट करता हूँ, उसके बाद जो ग्रैंडमा को या और लोगों को मिलता है खाने के लिए, ताकि प्रिवेंट कर सकूं किसी को पॉइजन लगना। और एमसी कोई चीज निकाल के खाने लग जाता है और यहाँ पर उल्टिया कर रहा होता है। ये फिर बताते कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रही हूँ तुम्हारे बारे में। और एमसी बताते कि ये पॉइजन जो है इसके अंदर जितना भी था वो इतना ज्यादा नहीं है। और एमसी बताते कि ये पॉइजन जो है कहलाया जाता है केट बटन, जो कि काउंसिल के स्पाई जो है वो यूज करते हैं इसे। और ये जिस फ्रूट से बनता है वो बहुत ज्यादा रेयर फ्रूट होता है, यहाँ पर मिलता भी नहीं है, तो उसको मिलाना इम्पॉसिबल हो जाता है खाने में, तो इसलिए अक्सर जो है स्पाइस वगैरह इसे यूज करते हैं, मतलब असैसिनेशन करने के लिए लोगों का। और जब ये पॉइजन जो है किसी के स्टमक के अंदर घुस जाता है, पेट के अंदर घुस जाता है, तो ये जो इफेक्ट करेगा रात के टाइम पे, और उसी की वजह से लोग जो है मर जाते हैं। और ये एक तरह से लगता है कि उसको क्या पता कोई इन्फेक्शन हो चुका हो, तो इसलिए किसी को पता नहीं चलता है कि ये मरा कैसे बंदा, मतलब पॉइजन से मरा कि नॉर्मली मरा। फिर उसे बताता है, लेकिन फिर भी इस पॉइजन के अंदर एक टेस्ट होता है जो कि मुझे पता चल चुका था, इसलिए पता लग गया कि इसके अंदर पॉइजन है। और जिसने भी ये पॉइजन मिलाया है मुझे मारने के लिए, उसे पता था कि इसको जो है कैसे मिक्स करना है इसके साथ, ताकि पता ना चले इस पॉइजन के बारे में किसी को। फिर एमसी इससे बताते कि तुम्हें पता है कि आज जो है ये खाना कौन लेकर आया था, स्पेशली ये प्लेट वाला। और ये लड़की फिर बताती है जो खाना बनाते है उसके बारे में कि उसका नेफ्यू लेकर आया था। फिर एमसी बताते लेकिन वो और कभी लेकर आता है, इस दफा उसका नेफ्यू क्यों लेकर आया। और ये फिर बताते कि उसकी तबीयत खराब थी, तो इसलिए उसका जो है नेफ्यू खाना डिलीवर करके लेकर आया, कुछ गलत है क्या। एमसी सोचता है लेकिन उस बंदे का जो है कोई भी नेफ्यू वगैरह नहीं है, तो लगता है कि ये जो नेफ्यू बन के आया था ये एक असासन था जो कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया था। एमसी बाहर आ जाता है, ये लड़की आ जाती है कि किधर जा रहे हो और क्या तुम्हारा पॉइजन जो है क्योर हो चुका है, अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए तो मैं डॉक्टर को बुला सकती हूँ। फिर एमसी बताते नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए। और फिर बताती कि सीसी भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। एमसी से बताते हैं कि नहीं डेंजरस है बाहर, तुम घर पे ही रहो। एमसी पे सोच रहा होता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा और मुझे बाहर जाना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए और उससे मिलना पड़ेगा, ताकि पता चले कि भाई क्या प्लानिंग कर रहा है वो। एमसी यहाँ पर जो है भाग भाग के आ जाता है और देखते हैं यहाँ पर वही बंदा जो है उसको बांधा हुआ होता है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि लगता है कि किलर ने इसे जान से नहीं मारा है, चलो इसे पहले बचा देता हूँ फिर पूछता हूँ उसके बारे में, जो बंदा आया था मुझे मारने के लिए। फिर एमसी आ जाता है, इसे खोल देता है, फिर बताता है कि ये किसने किया। ये फिर बताते है कि मुझे पता नहीं है। ये फिर बताते है कि मास्टर पीछे देखो, और वो किलर डायरेक्ट आ जाता है एमसी को मारने के लिए। अपनी स्वॉर्ड एमसी निकाल देता है और डायरेक्ट इस पर जो है अटैक करता है, और वो शॉक हो जाता है, पीछे चला जाता है। और फिर एमसी बताते है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे पॉइजन करने की कोशिश की। और ये जो अपना मास्क उतार देता है और एमसी को देखता है और आ जाता है एमसी को मारने के लिए। एमसी इसे बताता है कि रुक जाओ, एमसी इसे साइड पे करता है, थोड़ा साइड पे हो जाए मुझे इससे फाइट करनी है। ये फिर बताते है कि ठीक है।
हमसे बताते कि चलो फिर शुरू कर लेते हैं, मैं तेरे को सबक सिखा दूंगा। और ये भी आ जाता है एमसी को मारने के लिए। एमसी को बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड बंदे हो और डायरेक्ट इस पे डेगर सेंड करता है। और एमसी जो अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर लेता है सारे ही अटैक इसके, और डायरेक्ट आ जाता है इसको मारने के लिए, लेकिन ये अवॉइड कर देता है। वैसे तुम लोगों को बता रहा हूँ, सच में मुझे ये जो एक्सप्लेनेशन होती है ना फाइट की, वो बहुत ज्यादा हार्ड लगती है। स्पेशली मैं एनिमे के अंदर भी फाइटिंग सीन स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर एमसी बताते हैं, साला तुम्हारे पास इतने ज्यादा हिडन वेपन्स है, तब भी वो लगातार फेंक रहा होता है, मतलब सच में इसके पास इतने ज्यादा है। और एमसी वापस से अवॉइड कर रहा होता है सारे अटैक इसके। और यहाँ पर ये जो एमसी को देख रहा होता है, ये दोनों लगे होते फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो जो अटैक नहीं करने वाला, इनके अटैक्स को, मतलब इनके फाइट को अटैक बोल दिया। लेकिन एमसी तब भी लगा होता है इसको पेलने में, और ये जो है लग जाते हैं, दोनों स्ट्राइक मारते हैं। और ये बंदा भी उस तरफ आ जाता है, एमसी भी इस तरफ आ जाता है, दोनों गिर जाते हैं। एमसी से बताते कि तुमने जो पॉइजन डैगर के अंदर रखा था, एमसी को बताते कि तुम हार चुके हो। फिर बताते कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतने ज्यादा यंग हो गए, लेकिन फिर भी सॉरी, तुम जो मरने वाले हो और तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है। और फिर बताते कि वो फूड के अंदर भी पॉइजन था, जिसकी वजह से कोई जो फाइट नहीं कर पाता है, और मैं जो तुम्हें मार दूंगा, और जो पॉइजन डैगर पे था वो जो तुम्हें मार देगा। फिर एमसी इसे बताते कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। और फिर बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो एक असासन हूँ। और एमसी हंसने लग जाते हैं, ये फिर बताते हैं कि क्या फनी है। फिर एमसी बताते हैं कि तुमने कभी सुना नहीं है कि विलन जो है मरते जब ज्यादा बातें करते हैं। ये फिर बताते हैं कि क्या, और डायरेक्ट इसको कुछ हो जाता है, इसका डैगर गिर जाता है। और ये फिर बताते हैं कि तुमने भी अपने डैगर पे जो है पॉइजन रखा था। फिर एमसी बताते हैं, जब मैं छोटा था तब से मुझे पॉइजन लगता था, तो तुम्हारा पॉइजन मुझ पर काम भी नहीं करेगा, जो कि एक तरह से आम पॉइजन था। एमसी डायरेक्ट इस पे स्वॉर्ड रख देता है। फिर बताता है कि भाई तुमने जो है मुझे पॉइजन करने का ट्राई क्यों किया। एमसी फिर बताता है ये भी कि मतलब तुम ज्यादा पॉइजन भी उसमें मिला सकते थे, अगर सच में तुम मुझे और लोगों को मारना चाहते थे। भाई फिर बताते हैं कि जिस बंदे को मैं मारना चाहता था वो तुम थे, ना कि और लोग। मैं और लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ, ना इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। फिर एमसी बताते हैं कि अच्छा, तुम एक असासन हो, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा मर्सीफुल हो कि मतलब और लोगों को मारोगे नहीं, सिर्फ मुझे मारोगे। चलो बताओ तुम्हें जो है किसने सेंड किया था यहाँ पर। ये फिर बताता है कि ये जो सीक्रेट ऑर्डर है इंसेप्शन इंस्टीट्यूट का, तो इसलिए मुझे जो है मारना पड़ेगा ट्रेडर को। फिर एमसी बताते हैं कि मैं, वो भी ट्रेडर, क्या बोल रहे हो तुम। ये फिर बताते हैं, अगर मैं जो मर जाऊंगा तो और लोग आ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। एमसी डायरेक्ट अपना वो चीज दिखाते जो कि इसको दी थी। एमसी फिर बताते कि थर्ड डिवीजन का जो लीडर है ना, वो मेरा टीचर है, क्या हो रहा है तुम्हें। और ये शॉक हो जाता है, फिर बताते कि वो तुम्हारा टीचर है। फिर एमसी बताते मैं 16 साल का हूँ, और मेरी मदर मर चुकी थी जब मैं बहुत ज्यादा यंग था, मतलब पैदा हुआ था उसके साथ ही। और यहाँ तक कि मैं जो एक इलेजिमेट चाइल्ड हूँ, तो इसलिए मैं अपने फादर से मिला भी नहीं हूँ पहले, और मैं जो इस जगह से कभी गया भी नहीं था बाहर। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मेरा जैसा बंदा जो कि यहाँ से निकलता भी नहीं है, वो कैसे एक ट्रेटर हो सकता है, रेबल कर सकता है। ये फिर सोचते है, फिर बताते कि हाँ भाई तेरी बातें जो है सेंस बना रही है। फिर हमसे बताते हाँ, तो इसलिए सेंस नहीं बना रहा ना, तो इसका मतलब ये कि तुम लोग जो है कुछ गलत कर रहे थे। और ये फिर बताते कि अच्छा, अब मुझे पता चल चुका है किसी ना किसी ने जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन सीक्रेट वगैरह दिया था तुम्हारे बारे में, ताकि तुम्हें जो है मार दें गलती से। बल्कि एमसी जाने लग जाता है, ये एमसी को बताते कि क्यों तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर एमसी बताते वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं तुम्हें क्यों मारूं। और ये फिर बताते कि देखो, किसी ने भेजा था, तुम्हें फ्रेम कर दिया था, और मैं यहाँ पर आ चुका था तुम्हें मारने के लिए, मैं फेल हो चुका हूँ, अभी उसका प्लान भी एक्सपोज हो चुका है, तो अभी वो और लोगों को, मतलब असासन को भेजेगा तुम्हें मारने के लिए और मुझे भी मारने के लिए। उसके प्लान भी एक्सपोज हो चुके हैं, तो वो जो नया असासन भेजेगा मुझे मारने के लिए। फिर एमसी बताते कि उसका और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर एमसी बताते हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, हमारे मेंशन के अंदर बहुत ज्यादा रूल स्ट्रिक्ट है, मतलब कोई भी आ जा सकता नहीं है, तो तुम कैसे उसके नेफ्यू बन चुके थे और अंदर आ चुके थे, तो किसने तुम्हारी हेल्प की थी अंदर आने के लिए। और ये भी डर रहा होता है कि भाई प्लेन का पता चल रहा है। और ये फिर बताते कि ये जो है तुम्हारी फैमिली का बटलर ने मेरी हेल्प की थी, वही बटलर है जो कि शुरुआत में मैं मारने का सोच रहा था, देखो मेरी बात कोई नहीं मानता। और इसको जो पकड़ लेते हैं एमसी, और ये फिर रो रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि उस असासिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोग आ चुके थे एमसी को मारने के लिए, तो इसलिए मैं और लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था फैमिली में, तो मैंने उसको बोला कि पेल दो उसे, और मैंने जो ये सब कुछ फैमिली के लिए किया है, यहाँ पर ग्रैंडमा होती है। ये फिर बताती कि अच्छा, तुमने ये सब कुछ जो है फैन फैमिली के लिए किया। फिर बताते कि मुझे जो है सेकंड वाइफ ने भेजा था यहाँ पर, ताकि मैं एमसी पर नजर रख सकूं। और ये फिर बताते हैं, एमसी जब कैपिटल चला जाएगा, ये जरूर फाइट करेगा फैमिली के अंदर अपनी पोजीशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और इसलिए वो चाह रहे थे कि भाई ये डिस्टर्ब ना करे फैमिली के किसी भी चीज को, तो वो जो चाह रहे थे कि इसको यहीं पर ही मार देते हैं, या फिर ये यहाँ पर हमेशा के लिए रहे। और ये उठ जाते, फिर बताते हाँ, ये सेंस बनाता है फैमिली के लिए कि मतलब वो जो है तो हार्ट वाले बंदे नहीं होने चाहिए। फिर एमसी बताते कि ग्रैंडमा, क्या तुम इसके साथ एग्री करती हो। और ये फिर बताती भी कि तुम्हें जो है सख्त बनना पड़ेगा, रूटलेस बनना पड़ेगा, किसी को भी पेलना होगा पेलोगे, अगर तुम्हें जो है बड़ा होना है तो इसलिए मेरे साथ आओ। यहाँ पर इसी तरह और लोग आ जाते, गार्ड्स होते हैं,
फिर एमसी बताते कि ग्रैंडमा तुम सीरियस नहीं हो सकती हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। और बटलर फिर बता रहे थे कि मैडम तुम सही कर रही हो। और ये इसे डायरेक्ट जो है अपना वो चीज रख देती, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, फिर बताती कि इसके पैर तोड़ो और फिर इसे जो एक फिशिंग बोट में फेंक दो ताकि ये जो कभी भी लैंड पे ना आ सके पूरी जिंदगी इसके। ये फिर बताते कि मैडम, आई फिर बताते कि नहीं रुक जाओ ओल्ड लेडी हो, मतलब बता रहे होते कि रुक जाओ, लेकिन वो लेकर चले जाते हैं। आई फिर बता रही होती कि तुम जो है एमसी के बारे में बताती कि इसे हमेशा जो है डिसलाइक करती थी, तो तुम अभी क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि तुम अच्छी हो। आई एमसी को देखती फिर बताते कि क्या हुआ, फिर एमसी बताते कि लगता है कि सेकंड लेडी एमसी की सेकंड मदर के बारे में बोल रहा है कि उसने जो है मुझे प्रेजेंट भेज दिया था यहाँ तक, इसलिए मुझे याद रखना चाहिए उसने जो भी कुछ मेरे लिए किया है, मतलब भाई एसेसन सेंड कर दिया था। और ये फिर बताते कि मैं जो तुम्हारे फादर को लेटर सेंड कर दूंगी और मैं जो उसे बोलूंगी कि इन्वेस्टिगेशन कर दो और इस मैटर को जो है क्लियर करो। फिर हमसे बताते कि ग्रैंडमा मैं जो हूँ इस मैटर को खुद देखना चाहता हूँ इस टाइम। और ये फिर बताते कि तुम जाना चाहते हो कैपिटल, क्यों तुम एग्री नहीं कर रहे थे कि तुम जो यहाँ पर रुकोगे और मैं ही होंगी जो कि डिसीजन करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारी फादर के साइड पर। फिर हमसे बताते कि मैं जो अभी बड़ा हो रहा हूँ और मुझे एक्सप्लोर करना है इस वर्ल्ड को, और इन्होंने जो असासिन सेंड कर दिया मुझे मारने के लिए, तो इसलिए वो जो और लोग भी सेंड करेंगे इसी तरह, तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि मैं इन्हें फेस करूं खुद ही। और ये फिर बताती कि अच्छा तुम ये चाहती हो करना, फिर हमसे बताते कि हाँ मैं जरूर आऊंगा जब सब कुछ सेटल हो जाएगा। ग्रैंडमा फिर बताती कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स है जिन्हें जो है सॉल्व करना ही होगा, और तुम जो कब जा रहे हो यहाँ से, और हमसे बताते कि कल। ग्रैंडमा जाने लग जाती फिर बताती कि चलो फिर मैं जो तुम्हें मतलब देखने के लिए नहीं आऊंगी और मैं जो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ तो इसलिए तुम भले चले जाओ। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है और एमसी उस असैसिन के साथ ही बैठा होता है। और एमसी को बताते कि मुझे तुमसे फेवर मांगना है, फिर एमसी बताते कि क्या, आइए फिर बताते हैं एमसी को कि मुझे मार दो। एमसी बताते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मार दूं तुम्हें। एमसी फिर बताते कि इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं एज अ फेक तरीका ताकि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा लो, तो एक तरह से ये कंसीडर नहीं होगा कि तुम अपनी फैमिली को जो है बिट्रे कर रहे हो। ये फिर बताते कि नहीं ये बिट्रे नहीं होगा क्योंकि मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि अटेंड करनी है। फिर एमसी बताते हैं अच्छा तो फिर मुझे क्या मिलेगा इससे। और ये फिर बताते कि क्या तुम्हें नहीं जानता कि सेकंड लेडी ने जो है किस तरह से प्लानिंग की थी तुम्हें फंसाने के लिए। एमसी बताते कि भाई आराम से बात कर, भाई क्या बन रहा है, विलन बनने का शौक है क्या। ये फिर बताते कि मेरा मतलब ये जो है मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर फॉर एग्जांपल एक तरह से मैं मर जा तो फिर इन्वेस्टिगेट करूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एमसी बताते कि हाँ ये बुरा आइडिया नहीं है। फिर बताते कि चलो फिर हैप्पी पार्टनरशिप कर लेते हैं। एमसी फिर जो है अंकल को भी बता देता है कि मैं जाऊँ कैपिटल जा रहा हूँ। ये फिर बताते कि अच्छा। एमसी इसे बताते कि अंकल तुम जो मुझे कब से गार्ड कर रहे हो, जब से मैं जो हूँ छोटा था, क्या तुम्हें जो कुछ नहीं करना है, क्या पता तुम्हें जो कुछ लोग पसंद हो या फिर कुछ और अपनी लाइफ में करना हो। फिर ये एमसी को बताते है अच्छा कि मेरी जरूरत जो है तुम्हें और नहीं है। फिर एमसी बताते है कि नहीं नहीं मुझे जरूरत है, मुझे जो हमेशा तुम्हें नीड होगी और तुम जो मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली के बंदे हो इस वर्ल्ड के अंदर। और ये फिर बताते तो तुम्हारा क्या मतलब था उस क्वेश्चन का। एमसी बताते कि मैं जो कल कैपिटल चला जाऊंगा मैं वहाँ पर ढूंढूंगा जो बंदा मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, और उसे भी मैं ढूंढूंगा जिसने मेरी मदर को मार दिया था, और मैं जो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीऊंगा जो कि हमेशा मैं चाहता था जीना। लेकिन अंकल लास्ट टाइम तूने ये बताया था कि तुम जो मुझे फॉलो करोगे कैपिटल पर अगर मैं जो वहाँ पर चला जाता हूँ, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि तुम जो है अपने लाइफ के अंदर करो कुछ भी जो कि तुम्हें पसंद हो करना। ये एमसी को देखता है सोचता है, एमसी बताते है चलो अंकल मैं जो जा रहा हूँ, और इसी के साथ वो चला जाता है। और ये फिर सोच रहा होता है कि ये बोल रहा है कि भाई कुछ मैं करना चाहता हूँ या फिर अपने लिए जीना चाहता हूँ। इसी के साथ एमसी अपने रूम के अंदर आ जाता है, कपड़े पैक कर रहा होता है, और इसी के साथ ये आ जाता है फिर बताता है कि मुझे जो मिल गया जो कि मुझे करना है। एमसी बताते है इतनी जल्दी, और ये जो है कोई चीज लेकर आ जाता है और रख देता है। और ये फिर बताते है कि ये तुम्हारी मदर ने जो है छोड़ दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ओपन करो। और ये फिर बताते है कि जो तुमने बात की थी थोड़ी देर पहले वो तुम्हारी मदर भी मुझे बोलती थी कि वो चाहती थी कि मैं कुछ ढूंढूं जो कि मुझे पसंद है। फिर हमसे बताते है कि अच्छा ये मेरे मदर ने छोड़ दिया तो फिर मैं इसे कैसे ओपन करूँ। ये फिर बताते है कि वो भी की के साथ। एमसी फिर हाथ आगे करता है कि भाई दे दे। ये फिर बताता है कि भाई मेरे पास नहीं है वो की। फिर हमसे बताता है अच्छा तुम ओपन नहीं कर सकते तो क्यों ना मैं जो स्वॉर्ड से इसे ओपन कर दूं तोड़कर। और ये डायरेक्ट स्वॉर्ड निकाल के इस पे स्ट्राइक मारता है, लेकिन इस बॉक्स को कुछ भी नहीं होता और ये टेबल जो टूट जाता है। फिर हमसे बताते कि सच में ये बॉक्स जो है अनब्रेकेबल है, मेरे मदर को ये मिला कहाँ से। एमसी फिर बताते कि तुम्हें पता है की इसकी किधर है। ये फिर बताते कि वो की जो कैपिटल के अंदर है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा तो वहाँ पर मिल जाएगी। फिर हमसे बताते चलो फिर कल चलते एक साथ। और ये फिर बताते चलो फिर मैं पहले चलता हूँ कैपिटल के अंदर, तुमसे मिलूंगा। फिर हमसे बताते कि बॉक्स का क्या होगा। ये फिर बताते कि तेरे को छोड़ देता हूँ भाई, उठा लेना लेकर आ जाना। एमसी इस बॉक्स को देख रहा होता है, फिर बताते कि साले ये बॉक्स बना किससे है और ये जो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर ये सारे लोग जो आ जाते लाल झंडे वाले,
आईएमसी भी निकल आ जाता है। आईएमसी की ग्रैंडमा फिर बताती है आईएमसी के बारे में कि इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही है, तो इसलिए इसके लिए अच्छा होगा ये लीव कर ले और उनके आंसर ढूंढे। आईएमसी इसके पास आ जाता है फिर बताता है कि ग्रैंडमा, और ये फिर बताती है एमसी को कि मैंने तेरे को बोला था ना कि मतलब मैं नहीं आऊंगी तुम्हें छोड़ने के लिए। आईएमसी आके इसे किस कर देता है सर पर, और ये फिर बताती है कि तुम कर क्या रहे हो, और फिर बता रहे होते कि अपना जो है ध्यान रखना, मैं जो प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। आईएमसी डायरेक्ट यहाँ पर झुक जाता है फिर बताता है कि थैंक यू मेरी यहाँ तक हेल्प करने के लिए। अब बेचारा ग्रैंडमा भी रोने लग जाती है, और ये फिर बताते कि चले जाओ। फिर एमसी बाहर आ जाता है, फिर एमसी बताता है कि कैपिटल अपुन आ रहा है तेरे पास। और इसी के साथ जैसे ये जाने लग जाते हैं ये लड़की भी आ जाती है, और ये फिर बता रही होती है एमसी को कि मास्टर अपना ध्यान रखना। एमसी भी इसे देखता है, और ये फिर बताते क्यों ना अपने इस मेट को तुम अपने साथ लेकर आ जाओ। फिर एमसी बताते कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है कैपिटल के बारे में, और मैं किसी को भी जो है डेंजर के अंदर नहीं लेकर आ सकता, कि इसे अपने साथ लेकर चला जाओ, इसके साथ कुछ हो जाए। और एमसी वाले यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, और यहाँ पर खाना बन जाता है, और इसे बता भी रहा होता है कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब मेरे पास जो चिपके हुए होते हो ऐसा एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम मेरे सर्वेंट हो, क्या तुम्हें जो है कुछ खाना है क्या। और एमसी खाने लग जाता है, ये आगे होता है और इसे बता रहा होता है कि तेरे को पता है कि मेरे फादर ने जो अचानक से ये डिसीजन कैसे बना लिया, और वो जो मुझे कैपिटल में लेकर जाना चाहता है। और ये फिर बताता है कि लगता है कि वो प्रिपेयर करना चाहता है यंग मास्टर को फ्यूचर के लिए। एमसी इसे बताता है कि भाई हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो तुम चीजें मुझसे क्यों छुपा रहे हो। ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो जोकिंग करने में। एमसी बताता है कि भाई मैं जोक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। और ये भी एमसी को देख लेता है, और ये फिर बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है उसने जो है अरेंज कर लिए तुम्हारे लिए मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज, समझ रहे हो क्या 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 बन रहा है। फिर एमसी बताता है कि क्या मतलब है तुम्हारा मैरिज का। ये फिर बताता है कि तुम बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, डिवीजन के जितने भी बंदे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्पाइंग करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए, और 6th डिवीजन जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है असैसिनेशन के लिए। हमारे जो है आंखें हर जगह पे हैं, तो इसलिए कोई भी न्यूज हमारी गलत नहीं हो सकती, हमारे पास जो भी आती है। और ये फिर बताते हैं कि हमारा ऑफिस जो है छोटा वाला है, लेकिन बड़ा ऑफिस के बंदे असैसिन तुम्हारे पीछे आते तो तुम आज जिंदा भी नहीं होते। हमसे सोचा होता है भले 6th डिवीजन के ऑफिस के बंदे आ जाए, जहाँ पर भी आ जाए वो जो है जीत नहीं पाएंगे, वो भी फेल हो जाएंगे मुझे मारने पर, क्योंकि भाई साहब एमसी ऑलरेडी पावरफुल है, मतलब मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है। एमसी इसे बता रहे थे कि तुम्हें पता है इस शादी के बारे में कि क्या हो रहा है, अब मैं किससे शादी करने वाला हूँ। और फिर बताते हैं कि वो जो है डॉटर है लिन, ऐसे बंदे का नाम बताते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर है करंटली डायनेस्टी का, मतलब किंगडम का। एमसी भी शॉक हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी वो भी मुझसे शादी करेगी, मैं इलिजिमेट बच्चा हूँ। एमसी सोच रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये फिर बता रहा होता है उस फैमिली के बारे में कि उनकी रिप्यूटेशन कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो उसकी हेल्थ जो है काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, और वो जो है बहुत ज्यादा सीरियस है कुछ सालों से, तो इसलिए वो जल्दी से शादी करना चाहते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि अच्छा फिर ये जो है सेंस बना रही है बात। आइए एमसी को बताते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब तुम जिससे शादी करने वाले हो वो लड़की बहुत जल्दी मरने वाली है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन तुम जो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो ना ही गुस्से के अंदर हो। फिर एमसी बताते हैं कि क्या चीज है जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं। सच बताऊं तो मुझे दुख हो रहा है उस लड़की के बारे में, सिंपैथी है उसके लिए क्योंकि उसकी हेल्थ खराब है, वो जो है शादी कर रही है मुझ जैसे लड़के से जिससे वो कभी मिली नहीं है। और ये सोचता है, फिर एमसी बताते हैं कि क्या हो गया। ये फिर बताते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। फिर एमसी बताते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि मैं कैपिटल जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पर शादी जो है मतलब मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर दूंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया इस शादी का तो उसका मतलब ये होगा कि दूसरी पार्टी जो है कोई ऐसी जिसे मैं पसंद करता हूँ। तीसरी चीज ये है भले वो लड़की जो है सिख है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये शादी जो है ह्यूमिलेशन है। मतलब देखो वो लड़की भी बीमार है, और एमसी भी एक तरह से पहला बेटा नहीं है उसका, दूसरी वाइफ से है। अब क्या करो, मतलब दूसरी वाइफ हो भी सकती है कि नहीं, क्योंकि एमसी के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो बताते हैं कि जो जिसने एमसी को असासन भेजे थे वो सेकंड वाइफ है, तो इसका मतलब ये कि एमसी की जो मदर थी वो फर्स्ट वाइफ थी, लेकिन एमसी दूर रह रहा है, और कुछ लोग बताते कि एमसी जो है इलिजिमेट चाइल्ड है। आई डोंट नो, मतलब सीरियसली कुछ ना कुछ तो पक रहा है यहाँ पर, मेरा दिमाग भी पक रहा है लेकिन स्टोरी भी पक रही है। एमसी फिर बताते हैं कि चौथी बात ये है कि तुम्हें शायद से पता नहीं होगा, मैं अकेले जो पॉइजन के अंदर अच्छा नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा डॉक्टर भी हूँ। आइए फिर बताते कि अच्छा फिर इसका इलाज कर देना, जो भी करना है करो, यहाँ तक कि इंपीरियल का डॉक्टर्स भी जो है उसे ठीक नहीं कर सकते उसकी डिजीज को, चलो देखते कि तू कर क्या पाता है। मैंने हमसे बताता कि क्या मतलब है तुम्हारा, इस टाइप की क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, और जरा अच्छे से सर्वेंट के टाइप का जो है एक्ट करो। और फिर हमसे सोच रहा था कि चलो देखते वो लड़की जो है प्रीटी है कि नहीं है। और भाई साहब 2 महीने लग जाते इनको यहाँ पर आने में,
मुझे लगा जल्दी होगा या नजदीक जगह होगी। भैया फिर बताते कि यंग मास्टर हम कैपिटल पे आ चुके हैं। एमसी देखता है भाई, फिर बताते कि वाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चियां हैं, मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट टाइप का होता है, वैसे सच में जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं तो भाई ऐसे मजाक कर रहा था, वैसे मैं काफी ज्यादा भूल चुका हूँ, मैंने इस कॉमिक को मैं भी इस साल के शुरुआत में देखा था। काफी लोग फेस्टिवल को भी इंजॉय कर रहे होते हैं और बच्चियां भी होती है। ये फिर बताते हैं एमसी को कि क्या हुआ। फिर एमसी बताते हैं कि ये वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये फिर बताते हैं कि हाँ ये जो डिफरेंट है तुम्हारे वाले एरिया से। फिर एमसी सोच रहा था कि ये वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब मेन जो बिल्डिंग्स है उन्हें देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचरिस्टिक कोई जगह हो, जैसे कि चाइनीज कॉमिक्स आते हैं ना जिसमें फ्यूचर टाइप की जगह होती है, उस टाइप का लग रहा है। और हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है। ये फिर बताते हैं जो असासिन मिशन पे गया था वो फेल हो चुका है और वो जो अभी कैपिटल पे जा चुका है। यहाँ पर कोई लड़की शायद से होती सोचती है। ये फिर बताती कि नहीं बुरा नहीं है, नॉट बैड बोलती है, नॉट बैड नॉट बैड। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई, स्टेप मदर है तो स्टेप मदर वाली काम करो। एमसी मजा कर लेगा, मतलब समझ रहे हो, टपाटप चलेगा। एमसी चेक करते हैं यहाँ पर और ये एक जगह होती है। एमसी बताता है कि बहुत बड़ी है ये, मेरी वाली ने भी यही बोला था जब देखा था, उसने भी बोला था बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। वैसे बकचोदिया ज्यादा नहीं करनी है, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे क्या बकचोदिया हो रही है यहाँ पर। और ये लड़की फिर बता रही होती है कि लॉर्ड जो अभी मतलब अपने मेंशन के अंदर नहीं है कुछ टाइम के लिए, और जब जा रहा था उसने जो ऑर्डर दे दिया था कि हम जो आ जाएंगे तुम्हें रिसीव करने के लिए, और प्लीज मुझे बुला लेना कुछ भी चाहिए होगा। फिर हमसे बताते कि ठीक है, और सोच रहा होता है कि साला ये जो बाप है जिससे मैं कभी मिला नहीं था ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एमसी के साथ आ जाता है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि मतलब इस जगह पे इतना बड़ा मेंशन किसी को खरीदना बहुत ज्यादा महंगा होता है, ये लैंड बहुत ज्यादा महंगी है, और मेरा फादर जो है सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। एमसी जा रहा होता है, यहाँ पर कोई बंदा भी चला जाता है देखकर। यहाँ पर कुछ और भी होते हैं जो कि मतलब एमसी से बिल्कुल बात बात नहीं कर रहे होते, इग्नोर मार रहे होते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि लोग जो है मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं और मुझे जो है लोग कहते हैं इलेजिमेट चाइल्ड, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर यहाँ पर कोई इलेजिमेट चाइल्ड है भी तो भाई बच्चे को जो है दुख नहीं होना चाहिए, फादर को होना चाहिए, फादर को शर्म आनी चाहिए कि हर जगह पे नहीं डालते हैं अपना। फिर बताते हैं कि सेकंड लेडी ने बोला था कि यंग मास्टर को अपनी जगह पे लेकर चले जाना जहाँ पर वो रह रहा है और वहाँ पर वॉश कर ले। आइए फिर बताते कि मैं जो सर्व करूंगी यंग मास्टर को। एमसी ये बॉक्स रख देता है, फिर बताते कि थैंक यू। आइए फिर बता रहे थे कि मैं इनवाइट करना चाहती हूँ एमसी को कि वो जो है सेकंड लेडी को जो है देखने के लिए आ जाए। फिर एमसी सोच रहा था कि हाँ ये कैपिटल जो है वो जगह नहीं जहाँ पर मैं रहता था, और मैं जो हूँ अपने मेट्स का बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान रखता था, लेकिन यहाँ पर इनको वियर्ड फील हो रहा होगा। आइए फिर बताते कि प्लीज यंग मास्टर तुम वेट करो थोड़ी देर के लिए। फिर एमसी बताते कि ठीक है, एमसी इस जगह पे आ जाते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि ये जो मुझे डायरेक्ट नहीं लेकर जा रहे मेन हॉल पे, इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के मुझे वेट कराने का कर रहे हैं। और इसी के साथ एमसी काफी देर यहाँ पर वेट करता है, लेकिन वो जो है कमीनी नहीं आती है। फिर एमसी बताते हैं कि ये जानबूझ के मुझे यहाँ पर वेट करा रही है, ये मुझे शो कराना चाहती है कि मैं एक इलिजिमेट बेटा हूँ और मुझे अपना प्लेस दिखा रही है कि मतलब तू कहाँ पर बिलोंग करता है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा तुम ऐसे भी मेरे साथ खेलोगी, और सारे सर्वेंट जो शोक हो जाते हैं एमसी को देखकर, क्योंकि एमसी यहाँ पर बैठ चुका होता है अपने कुर्सी पर, सारे बोल रहे होते हैं कि ये कैसे कर सकता है। फिर एमसी बताते हैं कि ये चेयर जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये फिर बता रहे होते हैं कि जब तक बड़े नहीं आते हैं यंग जनरेशन जो है वो खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, और ये जो कैसे इसे आराम से बैठ सकता है अगर यंग लेडी ने इसे देख लिया। और यहाँ पर ये आ जाती है और एमसी को देख लेती है कि एमसी क्या बकचोदिया कर रहा है, और ये जो एमसी के पास आ जाती है। आइए फिर एमसी को बताते हैं अगर तुम थक चुके हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। एमसी से देखते हैं, फिर बताते हैं कि हेलो आंटी। और ये फिर जो एमसी के ग्रैंडमा के बारे में बताते हैं कि वो कैसी है और वहाँ पर क्या चल रहा है जहाँ पर तुम थे। फिर एमसी बताते हैं कि कुछ दिनों पहले जो है असासिन आया था मेरे घर पे, लेकिन लकीली वो फेल हो चुका है और उसके अलावा हर चीज सही है। एमसी बताते हैं कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ, सोच रहा होता है। और ये फिर बताती है एमसी को कि तुम्हारा फादर जो अभी सर्व कर रहा है इंपीरियल हाउस होल्ड अफेयर को, अफेयर के डिपार्टमेंट को, अफेयर को भी नहीं। तो अभी तुम कैपिटल के अंदर आ चुके हो, तो क्या तुम प्रिपेयर हो इंपीरियल एग्जाम के लिए जो कि अगले साल होंगे, और या फिर तुम जो डायरेक्ट काम करना चाहते हो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स के अंदर। फिर एमसी बताते हैं कि मैं वो करूंगा जो फादर मुझे बताएगा, और मुझे पता नहीं है जब तक फादर ना आ जाए वापस से। ये फिर बताते हैं तुम्हारा फादर जो आ जाएगा। फिर एमसी बताते हैं कि ठीक है, यहाँ पर ये कुछ भी बात नहीं करते काफी टाइम तक। आइए फिर बताती है चाय पी लो, एमसी पी रहा होता है। आइए आ जाती है, एमसी को बताती भी कि ब्रदर। आइए फिर बताती है कि बड़ा भाई जो आ चुका है। एमसी भी उठ जाता है, इसे देखता है। आइए वही है यार, मैं इसके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था, क्या हो चुका था मुझे, मतलब शुरुआत के चैप्टर्स में दिखाया गया था। आइए एमसी से मिलती है, एमसी बताते कि नहीं तुम्हें ज्यादा पोलाइट नहीं होना चाहिए। अचानक से यहाँ पर भी कोई आ जाता है, फिर बताता है कि ओए एमसी का नाम लेता है कि क्या तुम वो हो। एमसी बताते कि ये छोटा बच्चा कौन है, और ये डायरेक्ट बताता है कि मैं जो हूँ यंग मास्टर हूँ इस फैमिली का। और ये फिर बताते तुम वही बॉस
मास्टर ऑफ चाइल्ड हो ना, एमसी का नाम लेता है फेन शियान है ना। फिर एमसी सोचते है सेकंड लेडी कैसे चली गई इतनी जल्दी, लगता है कि वो प्रिपेयर हो चुकी थी और लगता है कि ये बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तो उसने जानबूझ के ये छोड़ दिया ताकि लड़ाई वगैरह हो सके। एमसी को फिर बताता है कि तुम बहुत ज्यादा पतले हो, तुम्हारे पास कोई भी जो है इमिटेटिंग ऑरा नहीं है, और वापस एमसी को गाली देता है। एमसी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और एमसी सोचता है कि इसको जो है मुझे सबक सिखाना पड़ेगा, अगर ये फ्यूचर में कोई कांड नहीं कर दे, फैमिली का नाम खराब नहीं कर दे। ये जो है आ जाती, फिर बताती कि हाथ निकालो, एमसी पीछे देखता है, ये फिर बताती कि सुना नहीं मैंने क्या बोला, हाथ निकालो बाहर, और ये हाथ निकाल देता है और डायरेक्ट इसको मारती है ये। ये फिर बताती कि सिस्टम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम जो मुझे मार रहे हो एक आउटसाइडर की वजह से, ये वापस से इसे मारती है। और ये फिर बताती कि पहली बात ये कि तुम अपने बड़े भाई को जो है उसका पहला नाम लेकर नहीं बोल सकते हो, और दूसरी बात ये है कि हमारी फैमिली में रिस्पेक्ट चाहिए, तुम ऐसे बातें नहीं कर सकते हो, मतलब बास्टर्ड बास्टर्ड बोल रहे होते हो, मुझे लगता है मुझे ये सेंसर करना पड़ेगा, लेकिन एक दफा सेंसर करूंगा दूसरी दफा नहीं। अगर तुम जो डिसरिस्पेक्टफुल होते हो अपने ब्रदर से तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी, जो कि नेचुरली चीज है। एमसी को बताते कि सही बोल रही हूँ ना, एमसी बताते कि हाँ, और ये रो रहा होता है चला जाता है अपने मदर के पास, और ये फिर बता रही होती है कि जब भी ये रोता है ये अपने मदर के पास चला जाता है। फिर एमसी बताते कि सच में ये हमेशा ये करता है, ये फिर बताती कि हाँ ये इस तरह से है। एमसी सोचते कि सच में इस तरह का मेरे पास भाई है, और एमसी फिर बताते कि हाँ याद है तुमने मतलब उसकी धुलाई कैसे कर दी स्टिक से। ये फिर बताते कि फादर ने मुझे अथॉरिटी दी है कि इसको सबक सिखाऊं। फिर एमसी बताते कि अच्छा ये चीज जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो कि मैंने सोची थी। ये फिर बताती है एमसी की सिस्टर कि तुम हाउस होल्ड इशू के बारे में बोल रहे हो। एमसी बताते कि हाँ वो भी, और साथ में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली के अंदर। ये फिर बताती है लेकिन हाँ मैं जो हूँ अभी भी पावर होल्ड करती हूँ इस फैमिली के अंदर, लेकिन एमसी बताता है तुम्हारे पावर जो है डिपेंड है कि हमारा फादर जो है क्या पसंद करता है क्या नहीं करता है। वैसे एमसी जो है अपने फादर को फादर नहीं बोलता है, मतलब डायरेक्ट बोलता है कि वो बंदा। ये फिर बताती कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि जिस बंदे के बारे में तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा फादर है। और ये दोनों बैठे होते हैं शांति से, फिर एमसी हंसने लग जाता है, ये भी हंसती है। और ये फिर बताती कि हम जो लेटर एक्सचेंज करते हैं काफी टाइम से, लेकिन हमने इस तरह से बातें नहीं की है, मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ इसे। फिर एमसी बताता कि तुम्हें देख लिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा तुम्हारे बारे में, वरना मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। फिर एमसी से बताते कि क्या तुमने जो मेरे लेटर को रिसीव कर लिया। और ये फिर बताते कि हाँ मुझे रिसीव हो चुका था, वो कल रात को आ चुका था, और वो जो लेटर है किसी बंदे ने डिलीवर किया था, मैं बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी, और वो भी एमसी का अंकल था, मतलब इस लड़की का भी अंकल हो सकता है। वैसे एमसी ऐसे ही अंकल बोलता है, रियल में अंकल नहीं है। फिर एमसी से बताते क्या तुम्हें पता है कि मैं किस रीजन से यहाँ पर आ चुका हूँ। ये फिर बताते कि मुझे बताए। फिर एमसी बताते कि तुम्हें पता है। ये फिर बताते कि हाँ सबको बताए। एमसी शौक हो जाता है कि क्या मतलब सबको बताए। फिर एमसी बताते कि मुझे लग रहा था कि कोई सीक्रेट वगैरह होगा कि मेरे फादर ने मुझे बुलाया मुझे बताएगा। ये फिर बताते कि जितने भी लोग जो फेमस फैमिली से हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है तुम्हारे बारे में, जो कि मतलब कैपिटल के अंदर आ चुके हैं। फिर एमसी बताते कि ज्यादा लोगों को तो नहीं पता है ना मेरे बारे में कैपिटल के अंदर, वो इतना ज्यादा क्यों क्यूरियस है मेरे बारे में। ये फिर बताते क्योंकि फादर जो है जिस लड़की के साथ तुम्हारा शादी करने वाला है वो बहुत ज्यादा फेमस है। फिर एमसी बताते कि अच्छा जिससे मैं शादी करने वाला हूँ जो कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। और ये फिर बताते कि अकेला वो नहीं है, ये फिर बताते कि वो बहुत ज्यादा सिख भी है, जो कि एमसी को ऑलरेडी पता होता है। अपन यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और तुम लोग बताओ सीरीज कैसे लगी। वैसे इसके 5 चैप्टर बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट मैंने 31-32 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए 1 घंटे के अंदर। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।